बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। आई एम मायरा अहमद फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आई विल डिस्कस स्पेशल पैथोलॉजी गाइडलाइंस फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स एडिशन 9। स्पेशल पैथोलॉजी जो है उसमें आपका जो मेन फोकस है वो तीन चीज़ों पर होना चाहिए, किसी भी डिजीज की पैथोजेनेसिस, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जिसको करने से आपका जो डायग्नोसिस करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस जिसका आपको एक कॉन्सेप्ट होगा डिजीज का, और उससे रिलेटेड उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो याद करना आपके लिए आसान होगा। मैं आपको साथ साथ जो है वो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो है वो गाइडलाइंस मार्क करवाती जाऊंगी, ठीक है। कौन से टॉपिक आपने जस्ट रीड करने हैं, कौन से आपने एसक्यू के लिए करने हैं, ठीक है, कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एमबीबीएस क्रैक्स मेडिकल ग्लोब की बुक्स जो कि एमसीक्यूज और एसक्यूज के लिए दो अलग बुक्स हैं, वो भी आपने साथ में स्टडी करनी है और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ताकि आपके जितने भी एमसीक्यूज और एसक्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें, ठीक है, और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर 17 मेल जेनिटल सिस्टम, ठीक है। इसमें से एक एसक्यू है और 5 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आपने तैयार करना है 1 एसक्यू एंड 5 एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है टॉपिक, ठीक है, पीनस, उसकी मेलफॉर्मेशन, इन्फ्लेमेटरी लेयंस, ठीक है, न्यू प्लेज, इसको जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने साथ में हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, आपने उनको पढ़ना है साथ साथ, ठीक है, तो इनको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। जो आपका मेन टॉपिक है जहाँ से आपके एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सिक्रोटम, टेस्टिस एंड एपिडिडमस, इसको भी आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है, ठीक है। ये डायग्राम आपने ओएसपी के लिए देखनी है, ठीक है, ताकि आपकी ओएसपी भी साथ साथ तैयार होती जाए। क्रिप्टोर्किडिज्म एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये आपका इंपॉर्टेंट एससीक्यू और एमसीक्यू है, ठीक है, इसको आपने एससीक्यू के लिए तैयार करना है, ठीक है, साथ में इसके एमसीक्यूज करने। और जो साथ में समरीज है इसको आपने स्किप नहीं करना, साथ साथ समरीज भी करनी है, ताकि आपका कोई पॉइंट भी मिस ना हो, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी लेयंस क्या होती है, इसको जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। टेस्टिकुलर न्यूप्लाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने करना है, ठीक है, इसको आपने बिग रॉबिन से करना है, टेबल 21.5, ठीक है। इसमें आपको एज का पता हो, ठीक है, किस एज में होता है, ठीक है, 15 to 34 years old एज ग्रुप, ठीक है, कितनी परसेंट होता है, इसके ट्यूमर कहाँ से अराइज करते हैं, ठीक है, तो ये सारी आपको पता हो, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये आपको सारा पता हो। वेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस जो है इसको जस्ट आपने जो है वो रीड कर लेना है, ठीक है, टोरियन को, न्यूनेट्रल, एडल्ट, ठीक है, तो ये आपको पता हो। समरी ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन कौन से जो है इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है, सेमिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, किस एज में होता है, ठीक है, एज ग्रुप क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कौन से ट्यूमर मार्कर जो है वो एलिवेट होते हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये साथ में इसके जो है मॉर्फोलॉजी दी हुई है बड़ी अच्छे से, आपने इसको जब भी आपने यू क्यू है आपने तैयार करना है। जो हमें लास्ट टाइम आया था वो सेमिनोमा जो है उसकी हिस्टोलॉजिकल जो डायग्राम है वो बनाने को आई थी, ठीक है, तो आपने इसलिए इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, ये सेमिनोमा की तो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम हमें पूछा हुआ था। देन ये जो है आपने ओएसपी के लिए इसको कर लेना है, ठीक है, ठीक है। योक सैक ट्यूमर जो इसमें शिलर ड्यूवल बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, तो आपने इसको एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार करना है। ये डायग्राम आपने ओएसपी के लिए प्रिपेयर करनी है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स आपने करने हैं ताकि आप इजीली उसको डायग्नोस कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोस्टेट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है इसको आपने जस्ट रीड करना है। जो प्रोस्टाइटिस है, ठीक है, इसके एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने बड़े अच्छे से करना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स ये आपको पता हूँ। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिग रॉबिन से इसकी फिगर कर लेनी है, ठीक है, 12.32, ये आपका सीधा सीधा यूक्यू है, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बड़े कॉर्पोरम अमेलेशिया क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आपने ये साथ साथ हाईलाइटेड पॉइंट्स को बड़े अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। समरी आपने किसी की भी नहीं छोड़नी, साथ साथ करते जाना है, ठीक है, ये बीपीएच की भी आपने करनी है, ये ओएसपी के लिए आपने करना है, ठीक है।
देन कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसकी ये डायग्राम जो है ओएसपी के लिए आपने तैयार करनी है, ठीक है। इसकी पैथोजेंसिस क्या होती है, कौन कौन से जो है वो कॉजिटिव है, ठीक है, पैथोजेंसिस में कौन कॉज करता है एंड्रोजेंस, हेरिडिटरी, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये बड़े अच्छे से आपने करना है। इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके आपने बड़े अच्छे से नेम कर लेने हैं। देन जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, इसलिए इसको आपने बड़े अच्छे से करना है। इसकी जो स्टेजिंग है, ठीक है, ग्लीसन सिस्टम के थ्रू इसकी ग्रेडिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रेड 1 to 5 तक होते हैं, ग्रेड 1 वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड ग्रेड 5 पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। साथ में डायग्राम्स आपने देखनी है ओएसपी के लिए, ठीक है, ये जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं ये आपने बड़े अच्छे से करने हैं, ठीक है, ये आपके सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इस पेज को आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। देन यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, नो न्यूप्लास्टिक कंडीशंस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या होती है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में जो हम डिस्कस करने लगे ये किडनी का ही एक पार्ट है, ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है, पार्ट ऑफ किडनी है, तो जो जब हम किडनी करेंगे, ठीक है, उसके साथ आपने इसको भी करना है, ये उसका ही पार्ट है। चले यहाँ पे मैं आपको मार्क करवाती हूँ, ठीक है, सबसे पहले यूरिटर है, ठीक है, ये आपने रीड करना है, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हुए हैं साथ साथ, ठीक है, तो आपने इस पेज को रीड कर लेना है एमसीक्यूज के लिए। देन यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इसके भी साथ साथ पॉइंट हाईलाइटेड है। मेलेकोप्लेकिया क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, और ये यूक्यू भी आ सकता है, ठीक है, तो दो नंबर का ये क्वेश्चन आता था, मेलेकोप्लेकिया क्या है, तो ये आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। न्यूप्लाज्मिस के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो डायग्राम दी हुई है, पेपिलोमा, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, फ्लैट इन्वेसिव, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये जो है ये ग्रेडिंग सिस्टम है जिसको क्लासीफाई किया हुआ इसको, ठीक है, तो ये बड़े अच्छे से आपको आना चाहिए, इसको आपने तैयार करना है, ठीक है। इसका जो यूक्यू है वो बिग रोबिन्स के आप टेबल कर लें 21.2 एंड 21.3, तो आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा दिखाया हुआ है, ठीक है, तो ये आपने उसके लिए तैयार कर लेनी है। क्लिनिकल फीचर्स आपने साथ साथ करते जाने हैं, ठीक है, ताकि आपको डायग्नोज करना बहुत ईजी हो, ठीक है, ये टेबल आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। आगे है एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, तो आप बेशक इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा मेल जेनिटल सिस्टम भी, और साथ में जो किडनी का पार्ट था यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, लोअर यूरिनरी सिस्टम, वो भी कवर हो गया, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको मार्क करवा दिया, तो बाकी आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने जस्ट एसटीडीज जो है उससे पहले पहले आपने करना, ठीक है, बाकी आप सब कुछ जो है वो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ ट्यूमर्स तक आपने गाइडलाइंस जो है वो मार्क कर लेनी है। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपकी तमाम परेशानियों का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग्स, इसके अलावा इसमें शामिल है यूनिवर्सिटी के तमाम क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं, इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं, साथ ही साथ ENT के रिव्यू समरीज भी मौजूद हैं, इसके अलावा पास्ट UHS की कीज भी शामिल हैं इसके अंदर, इसके साथ ही साथ इसमें हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ओएसपी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब मुतारिफ करवाता है MCQs क्रैक्स। MCQs क्रैक्स में आपके MCQs से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनका हल मौजूद है। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज के MCQs इसमें शामिल किए गए हैं, तो देर किस बात की है, इस मौके से फायदा उठाएं, घर बैठे बैठे अभी इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर, जो नंबर है 0335 66 33 007। थैंक यू।